अरे सिलाई मशीन का जमाना है। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा, तुम सिलाई मशीन की टाइप की लड़की हो क्या? नो सर। हाँ नो सर, बिल्कुल बात ठीक बोला। मेरी बात को समझो, आप बोलो अब वो वक्त नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद में हमको पॉलिटेक्निक में जाना है या लखनऊ भेजो, हमको कहीं भेजो, इनके पास में ज्ञान है, इनके पास में नॉलेज है, जाके अपना काम करो, इनसे पूछो और आगे एडमिशन लो। यहाँ नहीं मिली वहां मिली, आजकल इंटरनेट के ऊपर कई तरह की एडमिशनें मिल जाती हैं। कुछ भी फिक्र करना, याद रखना मेरी बच्ची समझी। और यहाँ पर एक चीज करना कि इस यहाँ पर आके आना जरूर, नहीं फिर मैं बीमार पड़ गई ना, फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसा मत कर। लगे रहो मुन्ना भाई। पीछे मेरा मतलब लगे रहो, एक चीज के पीछे पड़ जाओगे तो कभी उसको पूरा करके छोड़ो भाई। अगर घुंघरू बांधे हैं तो नाच के छोड़ो। क्या बोला? इस चीज का ध्यान रखना, कोई खेलना जरूर, याद रखना किससे बच के रहना है, आई एम टी से बच के रहना। आई से क्या बनता है? इंटरनेट, उसमें गलत है। कुछ चीजें बच्चों के काम की है, कुछ है वो ठीक है। उसके बाद में आई इंटरनेट से अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी, अच्छा अच्छा चीज लेना है। मेरे बच्चों जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, आपको कोई गलत करे कुछ करे, वो आपको पी रहा है, वो आपको खा जाएगा। पहली बात को मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है? एम, एम से क्या बनता है? मोबाइल। प्रियंका, मोबाइल से उसका सही इस्तेमाल करना। आजकल घड़ियों से ज्यादा लोगों के मोबाइल है, एक एक के पास दो दो मोबाइल रखे हुए। अगर कोई जरूरत पड़ भी जाए तो अंकल मेरे घर के नंबर है, मेरी मम्मी को ये फोन कर दो, तो कर सकते हो ना? क्या प्रॉब्लम? ऐसे वजन उठा करते हम इसमें से ये दिखाते ये देखते हैं वो देखते हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ता। याद रखना सबसे भयंकर जो बम है उसका नाम है व्हाट्सएप। क्या नाम है? व्हाट्सएप। आजकल उससे बच के रहना और इंटरनेट से जो है मोबाइल से बच के रहना। कभी भी आपको कोई इधर उधर लेके जाए, उधर आपको देंगे, उधर खाने का सामान देंगे, इधर आपको वो देंगे, आइए आइए, और आपको कोई गलत तरीके से पकड़े या कुछ पड़े, ऐसे भागो जैसे चीता भागता है। कैसे भागो? ऐसे करके भागो और आके मम्मी पापा को बताओ। बात समझते ना? चीते की तरह भागो, समझ गए मेरी बात? और आके घर आओ, घर बाके डरना मत, किसी से घबराना मत कि क्या कहेगा लोग, क्या कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कौन है? शांता सर। वहां पहुंचो, वहां आप पहुंचो तो सही, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, उनकी सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, समझते हैं। ये स्कूल जो बना है चल रहा है, अगर इनके हिम्मत इनके इसके अंदर है तो आपके लिए बना है, और इनको आगे भी आपको सपोर्ट करना है। मैं कहता हूं आपके अंदर से ऐसे टीचर निकले, ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले मिले कि आप इन्हीं के साथ में मिलके हम यहीं पर पूरे एरिया के अंदर ही एक अच्छा अच्छा पढ़ाने का सा हिसाब किताब चालू करें। मैं भी कभी कभी आऊ लाठी पकड़, कोई बात नहीं, लेकिन आऊ जरूर। आप इस चीज को समझना, चीज को बात है, ठीक है? मेरी बात को समझे हो? अब आपने ये चीज का ध्यान देखना है कि अपने यहाँ पर पढ़ाई का जो है वो भी चालू रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। अब क्या बात आ गई? सेहत। अगर सेहत ठीक नहीं रही तो गए, सही है ना? हाँ। तो अच्छी चीज खाना, रोज एक फ्रूट जरूर खाना। हाँ, आई एम टी का बता रहा था, पहले मैं मोबाइल का बताया और टी से क्या बना? तो ये एक ऐसी चीज है, इसका सही इस्तेमाल करो। रोटी खाते समय टेलीविजन मत देखना, रात के समय गलत टेलीविजन नहीं देखना, वो क्या है सीआईटी वाला, वो वारदात डायल, वो जो डाकू वाला और चक्कू मार रहा है, इस तरह की जो है गलत गलत वाला की है वो नहीं देखना, उससे क्या होता है खोपड़ी खराब होती है।
बात समझ गए मेरी बात को? यस सर। नहीं देखना बोला हमको है कार्टून दिखाओ देखो ठीक है, लेकिन उसको भी समय के साथ देखना। रोटी खाते समय टेलीविजन मत खा के उसके बाद में अच्छा, और अपना घर में मम्मी पापा को भी ये बातें बताना कि भाई ये अच्छी चीज है ये हमें करनी है, और उसके बाद में अपना अपना खुद काम करना, अपने ऊपर घबराना नहीं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, बहुत कुछ है। रोटी खा, कल रोटी खाई थी, परसों भी खाई थी, उससे पहले भी खाई थी, और भी चीजें खाई थी, फिर क्या प्रॉब्लम? बहुत कुछ है। ये मत सोचो किसी के पास में बड़ा